वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अब जब आपका समर वेकेशन ख़त्म हो चुका है तो आपको आखिर अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए ताकि आप अपने होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बन सकें, अपने क्लास में, अपने स्कूल्स में बहुत अच्छा आप परसेंटेज स्कोर कर सकें, अपने स्कूल में टॉपर बन सकें। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग भी 2025 में अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो देखो, हमारा जो पहला पॉइंट है, जो ज़्यादातर बच्चे कह लो मिस्टेक कर रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपको रखना है, याद रखना है कि क्लास में कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? देखो, होता क्या है, और इस बात से शायद आप एग्री भी करोगे कि जब आपके स्कूल के टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो आप उनकी बातों को बहुत ज़्यादा फोकस होकर नहीं सुनते हो। यही आप में और एक टॉपर बच्चे में कह लो गैप है, या फिर एक कह लो एक डिफरेंस है कि जो टॉपर बच्चा होगा वो क्लास में अपने टीचर की बातों को काफ़ी सीरियसली सुनेगा, क्लास में एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करेगा, जो कुछ भी क्लास में डाउट्स चल रहे हैं या जो कुछ भी टीचर उनको पढ़ा रहा है उनको सही से समझ रहे होंगे, सही से उनके बातों को सुन रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, जो कुछ बताया जा रहा है उसको एकदम मतलब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, इसीलिए वो टॉपर हैं और अपने एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि वो पहले से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा उनको अलग से घर पे एफर्ट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो क्लास में एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी क्लास में सही से पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो यकीन मानो अब आपका जब क्लास समर वेकेशन के बाद से स्टार्ट हो रहा है तो अब से भी एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। क्लास में आप एक्टिव रहो, अपने टीचर से अपने डाउट्स पूछो, अपने पॉइंट्स को पूछो, जो कुछ भी आपको चैप्टर में समझ में नहीं आ रहा है उनसे ज़रूर एक बार आप डिस्कस करें। सेकेंड जो हमारा पॉइंट रहेगा आप बच्चों के लिए वो है स्टडी स्मार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, जो कुछ भी हो रहा है उसको आप सीरियस होकर के दें, उसमें आप थोड़ी भी लापरवाही ना करें, एकदम पूरा पूरा एक्टिव होकर उसमें पार्टिसिपेट करें, कोशिश करें कि उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। क्योंकि जब आप अपने इन सभी टेस्ट को सीरियस होकर दोगे, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, सबको सीरियस होकर दोगे, तो आप जब सीरियस होंगे तो आप अपने सभी चैप्टर्स को, सभी सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, और जब इनमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, आप इजीली 99% मार्क्स स्कोर कर जाएंगे, 99%, 90%, 95%, जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर पाओगे। तो आपको अभी से अपने सभी एग्जाम्स पे पूरा का पूरा 100% फोकस करना होगा। साथ ही साथ आप अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो YouTube पे आप वन शॉर्ट वीडियो देख के पढ़ सकते हो, अपने आप टीचर से समझ सकते हो, कैसे भी जिस तरीके से आप पढ़ाई करो आप वहाँ से अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि आप याद, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आएगा तो मैं प्रिपेयर कर लूँगा, नहीं सर, अभी से आप प्रिपेयर करेंगे तो ही आप अपने बोर्ड एग्जाम्स तक 100% प्रिपेयर हो पाएंगे। तो स्टडी स्मार्ट का टिप्स यही है कि आपको अपने सभी एग्जाम्स को, जो भी यूनिट टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट, हाफ ईयरली, प्रीबोर्ड, जो कुछ भी बीच में हो रहा है सबको सीरियस होकर देना है, आपको अपने बोर्ड एग्जाम आने का इंतज़ार नहीं करना है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा आप बच्चों के लिए वो है रिसोर्सेस। थर्ड पॉइंट पे है रिसोर्सेस, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर इस केस में कन्फ्यूज रहते हैं, मैंने देखा है कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो जब आप ICSE के स्टूडेंट हैं ना, तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि आपकी जो स्कूल की बुक है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की है, उस बुक को तो आप ब्लाइंडली बहुत ज़्यादा उस पर आप ट्रस्ट करेंगे, उसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। अपने बुक को तो आप बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, साथ ही साथ आपको करना क्या है कि आप मार्केट्स में अवेलेबल उस वाल पब्लिकेशन की या फिर एनी अदर पब्लिकेशन की आप क्वेश्चन बैंक को बाई कर सकते हैं, जिनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिया गया हो कम से कम 10 साल का। ऐसी कोई भी एक बुक आप अपने मार्केट से बाई कर लें जिसमें कम से कम 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs हैं, या फिर अदर क्वेश्चन बैंक हैं, उनसे भी आप अपनी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। लेकिन पहला मेरा मानना है कि आप ज़्यादा फोकस अपने बुक पे करेंगे, देन आप सेकेंड स्टेप ये कर रहे होंगे, उसके बाद से जब आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तो आप एक सैम्पल पेपर बाई कर सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का सैम्पल पेपर बाई करके आप वहाँ से भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन पहला आपको मोस्ट फोकस करना है अपने स्कूल के बुक पे, ये रिसोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी में भी,
ठीक है। देन आपको मैं एक और पॉइंट कहना चाहूँगा कि आपको अपने नोट्स अभी से बनाने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स आपके अपने लैंग्वेज में सभी चैप्टर्स के, जिसको आप कह लो सभी चैप्टर्स को आप समराइज करके एक नोट्स के फॉर्म में लिख रहे हो, ये खुद का आपका नोट्स होना चाहिए, खुद को खुद से आपका प्रिपेयर किया हुआ नोट्स होना चाहिए, खुद आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। इससे भी आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा, तो आप उस नोट्स के थ्रू अपने सभी चैप्टर्स का एक क्विक रिविजन कर पाएंगे। देन हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, फोर्थ जो मेरा पॉइंट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, फोर्थ पॉइंट है इक्वल स्टडी। इक्वल स्टडी अब होता क्या है, मैं जैसा मैंने देखा है कई बार बच्चों को, कि बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे बहुत अच्छों को बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है, बहुत लोगों को साइंस अच्छा लगता है, बहुत लोगों को हिंदी इंग्लिश अच्छा लगता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको जिनको पढ़ने में उनको मज़ा आता है उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, बाकी जो हमारे सब्जेक्ट हैं जो ईजी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उनको बहुत ही लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 98% मार्क्स 99% मार्क्स आए तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट पढ़ के आपके अच्छे मार्क्स आने वाले नहीं हैं। मान लो आप हिस्ट्री सिविक्स पे ज्योग्राफी पे आप टाइम नहीं दे रहे हो, इन्हीं में आपके नंबर्स ख़राब हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परसेंटेज घट जाएंगे। तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम देना है, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल समय दे के पढ़ना है, सब पे आप टाइम दो, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स हमारे ईजी हैं, जैसे हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस हो गया, इनको आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन इनको आप रेगुलर पढ़ो, इनको भी टच में आप रेगुलर बने रहो, इनको भी इन पर भी आपको फोकस करना है अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो, ठीक है। और पांचवा पॉइंट जो है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला नहीं है, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आप पे भरोसा रखें, आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बच्चे ही करते हैं, आप जैसे स्टूडेंट ही आपके क्लास के होंगे जो टॉपर्स बनेंगे, तो आप भी कर सकते हो, तो खुद पे भरोसा रखो, आप 100% टॉप कर पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।